हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक पोएम जिसका नाम है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसे हम लोग लाइन बाय लाइन पूरी तरीके से हिंदी में समझेंगे। तो ये जो पोएम है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, जिसके लेखक हैं ड्रेक अल्टॉन वालकोट, जिनका जन्म 23 जनवरी 1930 ईस्वी में सैन लुसिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 मार्च 2017 ईस्वी को सेंट लुसिया में हुई थी। ये जो पोएम है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसको पब्लिश करवाया गया था 1962 ईस्वी में। ये जो पोएम है इसमें बताया गया है कि 1950 के दशक में जो ब्रिटिश लोग थे, मतलब अंग्रेज लोग थे, वे लोग अफ्रीका के केनिया में एक क्षेत्र में जहाँ पर किक्यू नाम के कबीले के लोग रहते थे, उस क्षेत्र को वो लोग कब्जा कर लिए थे, और जिस वजह से वे लोग इन लोगों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए एक संघर्ष किए थे, लड़ाई किए थे, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। मतलब ये लोग अपना औपनिवेशिक बनाना चाह रहे थे ब्रिटिश लोग, और वो लोग अपना आज़ादी के लिए, और इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में जो हुआ था संघर्ष हुआ था, उसी चीज़ को इसमें बताया गया है, जो राइटर हैं वो बताएं। तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन अब समझते हैं, ठीक है। ए विंड इज रफलिंग द टॉनी पेल्ट। रफलिंग का मतलब यहाँ पे होता है खलबली मचाने वाला, बहुत तेजी से चलने वाला। टॉनी मीन्स होता है गहरे पीले रंग का, और पेल्ट मीन्स होता है खाल। तो ये जो वर्तमान समय में अभी जो अफ्रीका में है, वो कैसी हवा चल रही है? बहुत ही खलबली मचाने वाली हवा चल रही है, जिसमें गहरे पीले रंग के खाल है। मतलब जो हवा का जो रूप है, उस तरीके का बताया जा रहा है कि उसमें इतनी ज़्यादा खलबली है कि सारे चीज़ को वो ढक ले रही है। ऑफ अफ्रीका की क्यू क्विक एस फ्लाइज। देखिए यहाँ पे क्यू क्यू जो है एक वहाँ के कबीले के लोग हैं, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्हें मियाओ कहते हैं। तो वे लोग इतने तेज होते थे जैसे कि मानो कोई फ्लाइज मीन्स होता है मक्खी, मक्खी की तरीके से वो उड़ने लगे थे। अभी के जो लोग थे, मतलब अपने संघर्ष में इतने तेज हो गए थे आज़ादी के लिए कि वो मक्खी की तरह उड़ने लगे थे, ठीक है। अब बेटन अपन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्ट, के बेटन मीन्स होता है तख्ता, और ब्लड स्ट्रीम मीन्स होता है खून के धाराएं, और वेल्ट मीन्स होता है खुले घास के मैदान जहाँ पर जानवर चरने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ये जो घास के खुले मैदान हैं, यहाँ पर पहले बहुत अच्छे तरीके से हरे भरे घास के मैदान हुआ करते थे, परंतु अभी के समय में अपने तख्त को बनाने के लिए चारों ओर क्या हो रहा है, खून की धाराएं बह रही है। मतलब वो जो घास का मैदान था, वहाँ अब क्या हो रहा है, खून की धाराएं बह रही है। आगे क्रॉप्स आर स्कैटर्ड थ्रो ए पैराडाइज, ठीक है। क्रॉप्स मीन्स होता है, क्रप्सेस मीन्स होता है सब मृत लाशें, स्कैटर्ड मीन्स छितरा छितरा तितर बितर, ठीक है, और पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग। तो अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र था पहले कैसा था, एक स्वर्ग की तरह था, चूंकि हरा भरा होगा, वातावरण सुंदर होगा, तो स्वाभाविक सा है कि वो स्वर्ग की तरह लगेगा। तो पहले जो था वो बिल्कुल स्वर्ग की तरह था, लेकिन अभी क्या हो गया है, इस खून खराबा की वजह से चारों ओर लाशें ही लाशें तितर बितर किए हुए, मतलब बिखरे पड़े हैं, ठीक है। ओनली द वर्म क्लोनेल ऑफ कैरियन क्राइज। देखिए वर्म, वर्म मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, क्लोनेल मीन्स होता है ये जो औपनिवेशिक लोग होते हैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, और कैरियन मीन्स होता है सड़ा गला, और क्राइज मीन्स होता है चिल्लाना। तो जब लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी है, तो वे लोग, स्वाभाविक सी बात है कि वे सड़ेंगे। अब वो सड़ गए हैं तो उस पर क्या हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े रेंगना स्टार्ट कर दिए हैं, और चारों ओर सिर्फ चिल्लाहट ही चिल्लाहट सुनाई पड़ रहा है। वेस्ट नो कंपेंसन ऑन दिस सेफ्रेड डेड। वेस्ट मीन्स होता है बेकार, कंपेंसन मीन्स होता है आपका सहानुभूति, ठीक है, सेपरेट मीन्स होता है अलग, और डेड मीन्स होता है मृत्यु। तो अब जो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे सहानुभूति, मेरा मेरे द्वारा यहाँ पे सहानुभूति दिखाना व्यर्थ है, क्योंकि ये जो लोग मर रहे हैं ये अलग नहीं है, ये सब क्या है, सब मिले जुले लोग हैं। यहाँ कुछ ब्रिटिश वाले भी हैं, कुछ केनिया वाले भी लोग हैं, कबीले वाले लोग। तो इसके लिए मुझे
सहानुभूति दिखाना बेकार होगा, मतलब मैं सहानुभूति किसके लिए दिखाऊं, कभी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एज स्कॉलर साइज, सीज करना जिसको बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स होता है यहाँ पे संख्या की, काउंटिंग, ठीक है। जस्टिफाई मीन्स न्याय होता है, स्कॉलर्स मीन्स विद्वान होता है, साइज मीन्स होता है जब्त करना, जब्त करना, ठीक है। तो अब जो संख्या की, लोगों की संख्या जो अपने न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो विद्वान लोग हैं जो पहले लिखा करते थे इसके बारे में, जो बताया करते थे, उन लोगों का तो अब वक्तव्य बंद हो गया, वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कब्जे में हैं शायद, इसलिए जो ये कबीले वाले लोग हैं, क्योंकि कबीले वाले जो लोग हैं केन्या के, वे लोग इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, अपने न्याय के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिए हैं, ठीक है। द सेलियंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, देखिए सेलियंट मीन्स होता है मुख्य, यहाँ अंग्रेजों के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। कॉलोनियल मीन्स होता है औपनिवेशिक, पॉलिसी मतलब होता है नीति। ये जो अंग्रेज लोग हैं मुख्य लोग हैं, इन लोगों का यहाँ पर पॉलिसी के बारे में बताया गया, उन लोगों का औपनिवेशिक पॉलिसी के बारे में बताया गया, नीति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैग इन वेट। देखिए वाइट चाइल्ड मीन्स होता है सफेद बच्चा, और हैग्ड मीन्स होता है किडनैप करना, उठा लेना, ठीक है। बेड मीन्स होता है बिस्तर से। तो ये जो केनिया के लोग थे, ये लोग क्या किए थे कि वाइट चाइल्ड, चूंकि वह मिश्रित नस्ल के लोग थे, इस वजह से वे लोग क्या किए थे, एक जो वाइट चाइल्ड थे सफेद बच्चा, सफेद कलर का बच्चा था, सफेद गोरे बच्चे, उसको क्या किया था, बिस्तर से वो लोग हैग्ड कर लिए थे, उसको किडनैप कर लिए थे, ठीक है। टू सेवेज एक्सपेंडेबल एज यूज, तो जब वे लोग ये काम किए थे, उस बच्चे को हैक करके उसको मार दिए थे, तो टू सेवेज, यहाँ पे सेवेज का मतलब होता है हिंसक, सेवेज का मतलब क्या होता है, हिंसक होता है। एक्सपेंडेबल विस्तार एज ए ज्यूस, ज्यूस जो हम लोग ज्यूस क्राइस्ट के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग ये काम किए, उस बच्चे को हैक किए थे, तो वो लोगों को ज्यूस की तरह ही उन्हें हिंसक तरीके से क्या किया गया था, उन्हें पनिशमेंट दिया गया था, जीसस क्राइस्ट को दिया गया था सूली पर चढ़ाया गया, तो उसी तरीके से इन लोगों को क्या किया, उन्हें कठिन से कठिन, कठोर से कठोर, हिंसक रूप से उन्हें पनिशमेंट दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन है, देयर सेड आउट बाय बीटर बीटर्स द लॉन्ग रसेस ब्रेक। देखिए देयर सेड मीन्स यहाँ पे होता है बुरी तरीके से पीटना, बीटर्स मारने वाले, ब्रेक उन्हें तोड़ना, लंबी रसेस, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जब वे लोग ये काम किए थे, तो उन लोगों को क्या किया गया था, मारने वाले के द्वारा बुरी तरीके से उन्हें पीटा गया था, और लंबे तरीके से उन्हें तोड़ा गया, जिस वजह से वो पूरी तरीके से जो लोग थे वो क्या हो चुके थे, टूट चुके थे। इन ए वाइट डस्ट ऑफ ऑफ इब्सियस हुज क्राइज। अब कभी यहाँ पे एक वर्ड आया है इब्सियस, इब्सियस जो है एक सारस के प्रकार का ही एक पक्षी होता है, ठीक है। व्हाइट डस्ट मीन्स सफेद धूलकण, क्राइज मीन्स होता है रोना चिल्लाना। तो जब ये सारा चीज हो रहा था उस वक्त, तो चारों ओर क्या हो रहा था कि व्हाइट डस्ट ही उड़ रहे थे, मतलब एक समय था जब यहाँ पे सारस जो वो घास के मैदान थे, वहां पर क्या होता था कि सारस के जो पक्षी, सारस के प्रकार का जो पक्षी थे, वहां पर चिल्लाया करते थे, जिससे सारा वातावरण उनकी आवाज से गूंज उठता था, अच्छा महसूस होता था, स्वर्ग की तरह महसूस होता था। लेकिन अभी जो लड़ाई झगड़ा खून खराबा, और इस वजह से वहाँ क्या, और सिर्फ सफेद ही सफेद धूलकण, जैसे खुले मैदान में उड़ता है ना, रेगिस्तान टाइप से बन गया, घास खत्म हो गया, अब वहाँ पर सिर्फ खून खराबा, घास खत्म, तो धूल उड़ रहे हैं वो सफेद सफेद टाइप के, बस धूल ही धूल चारों ओर उड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट लाइन है, हैव विल्ड सीन सिविलाइजेशंस डाउन। देखिए विल्ड मीन्स होता है पहिएदार होता है, सिंस मीन्स चूंकि, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। डाउन मीन्स उदय होना, ठीक है। अब मानो ऐसा हो रहा है कि जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसमें क्या आ गया, पहिए लग गए हैं और वो आगे की ओर निकल रहा है, उदय हो रहा है। DAWN, डाउन मीन्स होता है उदय होना, निकलना, ठीक है। तो वे क्या हो रहा है, पहिए लग गए हैं, जिस वजह से सभ्यता जो है वो आगे की ओर निकल रही है। फ्रॉम द पेर्ज्ड रिवर और वेस्ट स्टीमिंग प्लेन, PARCHD, पेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है सूखा, ठीक है। और रिवर का मतलब नदी होता है, बीस्ट का मतलब होता है हिंसक लोग, हिंसक लोग। टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, और प्लेन का मतलब होता है साफ तरीके से सपाट जमीन। तो
तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ की जो नदियां थी वो अब पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, हिंसक लोगों से पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, वो भर चुकी है, और नदियां का जो पानी है वह सूख चुका है, और यहाँ का जो एरिया है वह पूरी तरीके से उन लोगों से भर चुका है, हिंसक लोगों से। द वॉयलेंस ऑफ बीस्ट ऑन द बीस्ट इज रीड। वॉयलेंस मीन्स होता है हिंसा, बीस्ट मीन्स हिंसक लोग, ऑन बीस्ट मीन्स हम जीव भी कह सकते हैं, इज रीड। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो हिंसक लोग हैं वो किस तरीके से जीवों पर हिंसा कर रहे हैं, मतलब ये अपने औपनिवेशिक के लिए लड़ रहे हैं, अपना कब्जा जमाने के लिए, और वे लोग अपने आज़ादी के लिए, अंग्रेज लोग अपने कब्जा जमाने के लिए, और जो केनिया के वो जो कबीले वाले लोग हैं वो लोग अपनी आज़ादी के लिए, दोनों को ही खून खराबा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं जीवों पर, ठीक है। एज ए नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन। नेचुरल मीन्स होता है प्रकृतिक, लॉ मीन्स होता है नियम कानून, अपराइट मीन्स आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, कानून है, कि लोग आगे की ओर बढ़ते हैं हमेशा, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी दूसरों को हिंसा करके मार कर आगे की ओर बढ़ना, इसके बारे में कभी कह रहे हैं, ठीक है। सिक्स, हिज डिवाइनिटी बाय इन्फ्लिटिंग पेन। सीक मीन्स होता है खोजना, डिवाइनिटी मीन्स होता है देवत्व या फिर भक्ति, देवित्व कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इन्फ्लेक्टिंग मीन्स होता है दंड देना, पेन। तो जो लोग होते हैं अपने देवित्व कह सकते हैं, या फिर अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, खोजने के लिए क्या कर रहे थे, वो कठोर तरीके से, निर्दयी व्यक्ति के तरीके से क्या कर रहे थे, लोगों को दर्द दे रहे थे, दोनों का एक दूसरे को अपना मार काट कर रहे थे, खून खराबा कर रहे थे, कि हम अपना अधिकार करें, वो कहते हैं हम अपना आज़ादी प्राप्त करें, ठीक है। इस तरीके से वे लोग एक दूसरे को तकलीफ दे रहे थे। डिलीरियस एज दिस वरीड बीस्ट हिज वार। अब जो यहाँ पे है, वे लोग युद्ध में बहुत ज्यादा, वरीड मीन्स होता है चिंतित, बीस्ट मीन्स होता है वही निर्दयी लोग, तो वे लोग, और डिलीरियस मीन्स होता है बेहोश होना, ठीक है। तो जो लोग थे आपस में जो लड़ रहे थे, वे लोग कुछ लोग तो बेहोश हो जा रहे थे, साथ ही साथ कुछ लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे, परंतु इस युद्ध में हिंसक रूप से वे लोग क्या कर रहे थे, लड़ाई को जारी रख रहे थे, ठीक है। डांस टू द टाइटन क्रिकेसस ऑफ ए ड्रम। क्रिकेसस मीन सब होता है, ठीक है। तो बस वही चीज को फिर बताया गया है कि जिस वजह से चारों ओर क्या हो रहा है, लाश ही लाश फैला हुआ है, ठीक है। व्हाइल ही कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव ड्रेड। देखिए यहाँ पे करेज मीन्स हिम्मत या साहस कर सकते हैं, नेटिव मीन्स होता है पैतृक, जो वहाँ के अस्थाई निवासी हैं, और ड्रेड मीन्स होता है जिसको हम लोग मृत्यु कह सकते हैं, खौफ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग कह रहे थे कि ये जो हम लोग लड़ रहे हैं अपने अपने उद्देश्य के लिए, ये हमारे लिए हिम्मत की बात है, परंतु ये वहाँ के पैतृक लोगों के लिए खौफ का बात था, उन्हें डर लगा रहता था कहीं इस लड़ाई में हम लोग भी समेटे ना जाए, मतलब हम लोग भी ना मारे जाएं, निर्दोष लोगों का ऐसा सोच था, वे लोग ऐसा डर रहे थे, वे लोग खौफ में थे। नेक्स्ट लाइन है, ऑफ द वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। अब यहाँ पे पीस मीन्स होता है शांति, कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स होता है समझौता, डेड मीन्स मृत्यु। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यदि अच्छे तरीके से शांति चाहिए, तो इस प्रकार से वहाँ समझौता किया जा रहा था, जैसे कि आगे वाले को मारना है, मतलब मारो काटो तभी जाकर अपने लिए तुम शांति प्राप्त कर सकते हो, ये समझौता वहां पर हो रहा था इस तरीके से। अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स सेंस। अब क्या कर रहे हैं, जो अंग्रेज लोग थे उन लोगों अपने हाथ को धोने में लगे हुए थे, पोंछने में लगे हुए थे, ठीक है, किससे, अपॉन द नेपकिन ऑफ ए डर्टी काउस। किस चीज से, वे नेपकिन से, जो पूरी तरीके से क्या हो सका था, उन लोगों के इरादों से गंदा हो चुका था। उन लोगों का इरादा क्या था, कि वहां पे कब्जा करना, तो जिस वजह से उनके इरादों से वे जो नैपकिन थे गंदा हो चुके थे, परंतु उससे अब उन लोगों को क्या आवश्यकता हो गया था, कि हमें अब अपना हाथ को पोंछ लेना चाहिए उस नैपकिन से, ठीक है। नैपकिन जो हम लोग कागज टाइप में थोड़ा होता है, जिससे हम लोग खाने के बाद हाथ को पोंछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ए वेस्ट ऑफ पावर कंपेंशन एज विथ स्पेन। अब राइटर जो है कभी यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि कंपेंशन मीन्स होता है सहानुभूति, वेस्ट मीन्स बेकार, कहते हैं अब सहानुभूति देखा ना, अभी भी बेकार है, अभी भी बेकार है, जैसे कि स्पेन के साथ दिखाया गया था, स्पेन में भी इस तरीके का हुआ था, उसके साथ ऐसा दिखाया गया था, इस वजह से कह रहे हैं कि उसी की तरह दिखाना अब भी क्या है, बेकार है।
द गोरिल्ला रेसल विद द सुपरमैन। रेसलिंग का यहाँ पे रेसल लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कुश्ती लड़ना, ठीक है, कुश्ती लड़ना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसा देख पा रहा हूँ जैसे कि एक गोरिल्ला जो जानवर है वो एक सुपरमैन के साथ क्या कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, आई हु एम पोजेंड विद द ब्लड ऑफ बोथ। अब वो कह रहा है कि दोनों तरफ से मैं हूं और दोनों के खून में क्या है, जहर है, दोनों के खून में जहर है, और वो जो जहर है वो मेरे अंदर है, मतलब दोनों का खून मेरे अंदर है, इसलिए मेरे ही अंदर दोनों का जहर भी है। वेयर शैल आई टर्न, टर्न मीन्स होता है मुड़ना, ठीक है। डिवाइड मीन्स डिवाइड टू द वेन, डिवाइड मीन्स होता है बंटवारा, वेन मीन्स होता है सिरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों का खून का जहर जो है मेरे अंदर है, तो अब मैं किधर मुड़ूं, क्या मेरे जो सिरा है वो क्या हो जाए, बट जाएंगे क्या। आई हु हैव क्रस्ट, अब मानो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं शापित हो गया हूँ इस जगह पर जो हूँ, मैं अपने आप में क्या महसूस कर रहा हूँ कि मैं शापित हो गया हूँ, इस तरीके से कवि कह रहे हैं, ठीक है। द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल्स हाउ चूज, ड्रंकन का मीन्स होता है नशे में धुत, तो ऑफिसर मीन्स होता है उच्च अधिकारी, ब्रिटिश रूल्स अंग्रेज शासन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूलर है, मतलब हाँ अंग्रेज जो शासक है, वे लोग नशे में पूरी तरीके से धुत है। हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव, देखिए टंग मीन्स होता है मातृभाषा। तो ये कह रहे हैं कि वे लोग तो मस्त हैं, लेकिन मैं अफ्रीका और इंग्लिश, ये दोनों केनिया वाला से इधर और उधर ब्रिटिश वाला, दोनों के जो मातृभाषा है, दोनों में मैं किधर जाऊं, किसे पसंद करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसे प्यार करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कवि कह रहे हैं, बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, अब दोनों में मैं किसे धोखा दूं, और गिव बैक और किसे किसके पास वापस जाऊं, व्हाट दे गिव जिन्होंने मुझे ये सब दिया है, दोनों ने उसे दिया है, तो जिस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं किसे धोखा दूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं अफ्रीका वाले के पास जाऊं या इंग्लैंड मतलब इंग्लिश वाले के पास जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कैन आई फेस, फेस मीन्स होता है सामना करना, सच स्लटर एंड बी कूल, स्लटर मीन्स होता है संहार करना, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये जो संहार चल रहा है, मतलब जो खून खराबा हो रहा है, इसको मैं कैसे सामना करूँ और मैं कैसे ठंडा भी रहूँ, बी कूल, कैसे ठंडा भी रहूँ। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लाइफ, और मैं और लास्ट लाइन में कवि कह रहे हैं कि मैं कैसे अफ्रीका से भी कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ, टर्न मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ और जिंदा रह सकता हूँ। तो इस तरीके से कवि जो है फाइनली वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो ये जो इसका जो है पोएम का जो हेडिंग है वो है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसका टाइटल में यह बताया गया है कि एक कवि जो है वो अफ्रीका से दूर एक द्वीप पे हैं जहाँ से वो रोते हैं, मतलब क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, परंतु उनका आवाज़ जो है अफ्रीका तक पहुँच नहीं पाता है। और इसका जो टाइटल वो थोड़ा डाउटफुल है, शायद इसके एक दो मीनिंग होते हैं, इसको क्लियर नहीं करवाया गया, लेकिन फाइनली इसमें इसी चीज़ को बताया गया है कि जो केनिया के लोग थे वो ब्रिटिश के साम्राज्य को, औपनिवेशिक को समाप्त करना चाहते थे और अपनी आज़ादी के लिए वे लोग लड़ाई कर रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो पोएम है इसका समरी समाप्त हो जाता है। यदि आपको वीडियो समझ में आई है ये पोएम, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू सो मच।